हेलो दोस्तों, आप अगर होटल लाइन में स्टार्टिंग करना चाहते हैं या होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या होटल मैनेजमेंट में लाइक स्टार्टिंग करियर आपका है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं तीन ऐसे फैक्ट, तीन ऐसी चीज़ें लाइक होटल मैनेजमेंट में आने से पहले हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि लाइक फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स का सामना हमको करना पड़ सकता है। सो तीन फैक्ट हैं आपका, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका लाइक ग्रूमिंग। और आपको सेविंग हो सकता है कि आपको लाइक आदत नहीं है, या फिर कई सारे लाइक वॉइस ऐसे होते हैं कि जिन्हें पसंद नहीं है लाइक पर डे सेविंग करना, लेकिन ये होटल मैनेजमेंट में एक पॉलिसी होती है लाइक जिसमें आपको वेल ग्रूम दिखने के लिए पर डे सेविंग करनी पड़ेगी। आपको लाइक जो आपका हेयर स्टाइल है वो भी आपको लाइक मेंटेन रखना पड़ेगा एक लाइक प्रोफेशनल वे में, नॉट लाइक होता है ना आप बालों को कलर नहीं करा सकते, आप लाइक ज़्यादा बड़े आपके हेयर स्टाइल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बड़े बाल भी हैं तो वो लाइक प्रॉपर सेट होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से होने चाहिए अगर आप लाइक होटल लाइन में आप एक जॉब कर रहे हैं तो। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी चाहे आप किसी भी लाइक डिपार्टमेंट में जाएं, लाइक आप किचन में जाएं, लाइक फ्रंट ऑफिस में जाएं, या फिर आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं या फिर F&B सर्विस डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि ये लाइक पार्ट है एक होटल का। तो लाइक आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप लाइक होटल के काम करेंगे देन यू विल हैव टू डू दोज ऑल द थिंग। वहीं पर गर्ल्स की बात आती है, गर्ल्स लाइक कुछ गर्ल्स को होता है ना लाइक के किसी को आदत नहीं होती है या कुछ प्रेफर नहीं करती हैं लाइक मेकअप करना, तो नॉर्मल मेकअप आपको करना पड़ेगा अगर आप फ्रंट ऑफिस पे हैं या फिर आप F&B सर्विस में हैं या फिर आप लाइक हाउसकीपिंग में हैं, लाइक किसी भी अगर डिपार्टमेंट में आप जाती हैं, एक किचन आपका डिपार्टमेंट ऐसा है कि वहाँ पर आपको मेकअप लाइक नहीं करना पड़ेगा। वहीं पर सेकेंड पॉइंट आता है लाइक के मैनेजर पोजिशन। बहुत सारा लाइक सबका माइंडसेट एक ये होता है कि लाइक मैंने 4 साल की डिग्री की है तो एकदम मैनेजर बन जाऊंगा या फिर लाइक एकदम HOD बन जाऊंगा लाइक, या फिर एक लाइक GM लेवल पे हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो कई सारा मतलब हमारे माइंड में सवाल आते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है कि लाइक एकदम हम कैसे किसी भी लेवल को अचीव करेंगे। तो बड़ा क्लियर है, आप अगर MBA भी कर लें, 4 साल की डिग्री छोड़ें, तब भी आप लाइक एकदम मैनेजर नहीं बन सकते हैं, आप एकदम लाइक GM नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये जो होटल मैनेजमेंट जो अपनी इंडस्ट्री है ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकली कहने का सेंस है कि लाइक आपको यहाँ से एक्सपीरियंस वाइज ही आप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इजी नहीं है लाइक कि आप चाहें कि लाइक मैंने MBA कर लिया, मैंने 4 साल की डिग्री कर ली तो हाउसकीपिंग में मैं अपना लाइक एक मैनेजर बन जाऊँ या फ्रंट ऑफिस पे मैनेजर बन जाऊँ या फिर F&B सर्विस में मैं मैनेजर बन जाऊँ या लाइक किचन डिपार्टमेंट में लाइक अब मैं मास्टर शेफ बन जाऊँ, तो इट इज़ नॉट अ ईजी। तो स्टेप बाई स्टेप ही आप बढ़ेंगे, एकदम लाइक ईजी नहीं है कि किसी भी लेवल पर आपने चाहे एजुकेशन कुछ भी की है, ये कम मैटर करेगी, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आपका कितना है, आपने लाइक होटल इंडस्ट्री को आपने कितना टाइम दिया है, कितना वक्त दिया है, कितने साल आपने बिताए, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखें अपने माइंड में, और वो डिपेंड लाइक अप टू यू लाइक कि आप चीज़ें कैसे सीखेंगे, कैसे ग्रो करेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका लाइक वीकली ऑफ और ड्यूटी आवर्स। तो ड्यूटी आवर्स और लाइक वीकली ऑफ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें लाइक कितने घंटे ड्यूटी होती है, लाइक वीकली ऑफ मिलता है नहीं मिलता है, या महीने में कितने ऑफ मिलते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, महीने में आपके 4 ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो 4 ऑफ देती हैं, एक वीकली ऑफ आपका बनता है, लेकिन इट डिपेंड ऑन लाइक बिजी शेड्यूल के आप, कई बार होता है कि लाइक अगर बिजी शेड्यूल है तो महीने में आपके 2 ऑफ ही आपको मिल पाएंगे, 3 आपको मिल पाएंगे, फिक्स नहीं है कि आपको मंडे को ऑफ मिलेगा कि आपके ट्यूसडे को मिलेगा कि संडे को मिलेगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, ऐसा लाइक फिक्स नहीं है। आपके 4 ऑफ हैं कंपनी आपको लाइक देगी, लेकिन वो ऑफ अगर आपके महीने में 2 निकलते हैं तो 2 ऑफ आपने दो जो आपके लाइक दो जो आपके ऑफ पेंडिंग बचते हैं वो आप लाइक अपने घर पे जाके लाइक जब भी आप छुट्टी जाएंगे तो वहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। ड्यूटी आवर्स का भी रहता है कहीं ना कहीं माइंड में कि ड्यूटी आवर्स कितना है क्या रहता है। देखो एक कई सारी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 9 से 10 घंटे ड्यूटी भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द होटल्स में क्या है एक थोड़ा सा जो ड्यूटी टाइमिंग का पीरियड है वो ज़्यादा है, वो लॉन्ग है। तो लाइक आपको जो है 11 से 12 घंटे लाइक आपकी ड्यूटी का टाइम पीरियड होता है, क्योंकि और थोड़ा सा F&B सर्विस में अगर मैं बात करूं तो वहां पर लाइक 1-2 घंटे जो है ज़्यादा ही होता है। जैसे अगर नॉर्मल आपकी जो लाइक हाउसकीपिंग है या किचन है या फ्रंट ऑफिस है वहां पर अगर 9 से 10 घंटे आपकी शिफ्ट चल रही है, तो F&B सर्विस में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाइक 1-2 घंटे आपकी ड्यूटी ज़्यादा रहेगी, लाइक 11 से 12 घंटे की आपकी वहां पर ड्यूटी रहेगी। सो आई होप गाइस कि ये जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं तो ये आपको क्लियर होंगे और आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसी वीडियोज आपको आगे से मिलती रहें। थैंक यू सो मच।